हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, खरी चाल चलने में आशीषें। जिस तरह भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 84 के 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो कोई खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। अगर आप इसी वचन को अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो उसमें एक शब्द दिया गया है अपराइटली। इब्रानी भाषा में अपराइटली शब्द का मतलब है तामीम, जिसका मतलब होता है कि जो परमेश्वर के सामने बिना किसी लालच के खरी चाल चलते हैं तो परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब शैतान उनको परखने के लिए उनके पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं की, बल्कि खरी चाल चली और परमेश्वर ने उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ी। उसी तरह से जब आप पतरस के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि खरी चाल चलने के कारण परमेश्वर ने उसे अगुआ बनाया, क्योंकि जब परमेश्वर ने चेलों को चुना था तो उनसे यह नहीं कहा था कि पतरस उनका अगुआ होगा, लेकिन पतरस के कामों ने और उसके खरी चाल चलने के कारण परमेश्वर ने उसे अगुआ बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ यहूदा वह चेला था जो ऊंचा पद चाहता था, इसलिए वह खजांची था, पर उसके अंदर अगुवाई करने वाला कोई भी वरदान नहीं था। याद रखें, कुछ लोग ऊंचा पद तो चाहते हैं पर उनके अंदर अगुवाई का वरदान नहीं होता। यही एक कारण था कि यहूदा गिरा, जबकि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, और गेहजी भी गिरा जबकि वह एलिसा के साथ रहता था। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, अगर सांसारिक रीति से सफल होने के लिए आपको नियमों के अनुसार चलना पड़ता है तो उसी तरह से आत्मिक रीति से चलने के लिए और जीतने के लिए भी आपके पास भी कुछ नियम होते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर तू ऊंचा होना चाहता है तो अपने आप को नीचा कर, तब तू परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया जाएगा। लेकिन आज समस्या यह है कि जब आप अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको नीचा करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको वचन के अनुसार चलने की और परमेश्वर में खरी चाल चलते हुए काम करते रहने की ज़रूरत है। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तू काम करता जा और ऊंचाई तुझे मैं दूंगा, मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर किसी भी इंसान या देश का पक्षपात नहीं करता। जब आप खरी चाल चलते हुए परमेश्वर और अपने कामों को करते जाएंगे तो वह आपको उस स्थान पर जरूर बिठाएगा जिसके आप काबिल हैं। कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन फिर भी कभी न कभी गुनाह उनके दिल में आता है और वह गिरते हैं। वह जानते हुए भी कि अगर मैं खरी चाल चलूं तो परमेश्वर मुझे ऊंचा करने की ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में जाते हैं और वह स्थान ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको यह जानने की ज़रूरत है कि इसी धरती पर रहते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के मन के अनुसार खरी चाल चलते हैं तो वह आपको दाऊद की तरह, मरियम की तरह ऊंचा करता है और आपको कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को पढ़ें या सुनें वे आपके कामों को खरी चाल के साथ करें।
और स्वर्गीय आशीषों के अधिकारी बने यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको आशीष करें।